स्टैंडर्ड 9, सब्जेक्ट ड्राइंग, चैप्टर नंबर 12, टॉपिक है बर्ड लव यानी के पंखी प्रेम। ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देख के ड्राइंग बुक में ड्रॉ करना है। उसके लिए आपको 1-1 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको मेजरमेंट करना है, इस तरह से 11 और यहाँ से 30.5, इस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है और ड्राइंग बुक में 1.5 सेंटीमीटर का पॉइंट करके बॉक्स बनाना है और लाइनिंग करनी है इस हिसाब से, और स्टैंडिंग लाइन करनी है, एकदम लाइट ही लाइन करनी है। बाद में बुक में जो बॉक्स में जो भी हो उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। जितना भी पोर्शन आपको जो बॉक्स में दिखाई दे उतना हिस्सा यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, एकदम आराम से करना है, बॉक्स को ध्यान में रख के, और बॉक्स नंबर ऊपर और साइड में लिखा है उस हिसाब से आपको बनाना है। एक भी बॉक्स चूक ना जाए उसका खास ध्यान रखना है। बॉक्स जो ये देख देख के आपको आराम से करना है। चेक्स बना के ड्रॉ करने से फ़ायदा ये होगा कि एकदम परफेक्ट कॉपी टू कॉपी आपका ड्राइंग बन जाएगा। इस तरह से कोई भी आप पोर्ट्रेट भी बना सकते हो। यहाँ पे चेक्स आपको एकदम लाइट आपको ड्रॉ करनी है क्योंकि बाद में उसको इरेज करना होता है। यहाँ पे हमने स्टार्ट जो है वो पीकॉक से बनाया है। मोर से हमने शुरुआत की है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी दिख रहा होगा, मैंने आपको शॉर्ट में दिखाने के लिए थोड़ा फॉरवर्ड किया है, पर आपको बॉक्स में ध्यान रखते हुए ही आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है वो एक एक बॉक्स को ध्यान में रख के ही बनाया है, यूं ही अपने आप मैंने ड्रॉ नहीं किया है। जो भी बॉक्स में जितना भी हिस्सा दिखता है उतना ही हिस्सा यहाँ पे मैंने बनाया है। यहाँ पे हम वॉल बनाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 10 नंबर की जो लाइन है वहाँ पे जितना पोर्शन है उतना ही मैंने लिया है। ये चेक्स की मदद से आपको बेफिक्र हो जाते हो क्योंकि जो पोर्शन जहाँ है बस उसको आप देखते जाओ तो देखते ही देखते पूरा पिक्चर एकदम परफेक्ट बन जाता है। जो भी बॉक्स का पिक्चर जो है उसको आप ड्रॉ करो तो बाकी के बॉक्स को इग्नोर करना है, यानी कि कंसंट्रेशन एक ही बॉक्स के ऊपर करना है, तभी परफेक्ट सेम टू सेम आप बना पाओगे। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में HB पेंसिल का यूज़ करना है, एकदम लाइटली ड्रॉ करना है, परफेक्ट हो जाने के बाद आप डार्क बना सकते हो। इसके अंदर आपको वाटर कलर करना है। वाटर कलर करते समय भी खास ध्यान रखना है, नीचे की ओर एक प्लेन पेज आपको रखना है, नीचे का जो भी पेज हो वो खराब ना हो उसके लिए।
यहाँ पे छोटा जो प्लांट है उसको हम बनाएंगे। जो भी बॉक्स में जितना पोर्शन दिखता है उतना ही ड्रॉ करना है, अपने हिसाब से अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। स्टार्टिंग में आपको आपके लिए ये जो टेक्निक है वो नई है, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी देर लग सकती है, पर प्रैक्टिस करने से आपको आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी और आपको काम करने में मज़ा भी आएगा। आगे भी हमने जो पिक्चर था उसमें भी हमने चेक्स के माध्यम से हमने ड्रॉ किया था। ये आपका दूसरा पिक्चर है चेक्स के माध्यम से। इस तरह से किसी का भी पोर्ट्रेट यानी कि किसी का फेस आप बना सकते हो, किसी के भी फोटो से आप उसका सेम टू सेम पेंटिंग भी बना सकते हो। जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो भी परफेक्ट ड्राइंग के लिए ये चेक्स बना के ड्राइंग बनाते हैं। जिसको भी ड्राइंग में आगे बढ़ना है तो उसके लिए चेक्स जो टेक्निक है वो काफ़ी काम की है। अभी यहाँ पे हम जो वुमन है उसको ड्रॉ करने जा रहे हैं, उसका आसपास का जो भी पोर्शन है उसको हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे स्टैंडिंग और स्लीपिंग में जो भी बॉक्स है उसको खास में ध्यान रख के हमें चलना है, बॉक्स को खास ध्यान रखना है। ड्रॉ करते समय पेंटिंग खराब ना हो, ड्राइंग खराब ना हो, उसके लिए नीचे कोई भी एक कागज़ का टुकड़ा या प्लास्टिक आप रख सकते हो। यहाँ पे वुमन हम ड्रॉ करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट फेस होता है और एनाटॉमी होती है, उसको ध्यान से बनाना है। जो बॉक्स में जितना हिस्सा दिखाई दिया है सिर्फ उतना ही हिस्सा बनाते जाओ, एक्स्ट्रा कुछ प्लस माइनस मत करो, तो धीरे धीरे आपका पिक्चर बनता जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत इजीली और परफेक्शन वाला ड्राइंग यहाँ पे आपका बन सकता है। पहले ही एकदम डार्क नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं स्टार्टिंग से ही डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ, पर आपको HB पेंसिल से पहले लाइट ही ड्रॉ करना है। परफेक्ट बनने के बाद आप डार्क बना सकते हो।
यहाँ पे एक भी पॉइंट चूक ना जाए उसका खास ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा बॉक्स कौन से नंबर का बॉक्स है उसका काउंट होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ते जाओगे, वन बाय वन आप ड्रॉ करते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अलग अलग जगह पे आप ड्रॉ करोगे तो बॉक्स जो है, एक आध भी बॉक्स अगर आपसे गलती से चूक गया तो उसके बाद जितना भी आपने ड्रॉ किया होगा वो पूरा गलत बन सकता है। यहाँ पे आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हो, पर अपने आप नहीं करना है। यहाँ पे भी मेजरमेंट लेके ही मैंने स्केल का यूज़ किया है। स्टार्ट और एंड पॉइंट को सिलेक्ट करके बाद में मैंने लाइनिंग की है, तो इस बात का आपको खास ध्यान रहे। अपने हिसाब से डायरेक्ट ही लाइनिंग नहीं करनी है। इसके अंदर वाटर कलर करने के लिए आपको 0 नंबर और 2, 4 नंबर अलग अलग राउंड ब्रश का आप यूज़ कर सकते हो। छोटे पोर्शन में ड्रॉ करने के लिए, कलर फिलअप करने के लिए 0 नंबर की ब्रश है उसका यूज़ कर सकते हो, और जो बड़ा जो हिस्सा होता है वहाँ पे आप 2 नंबर 4 नंबर की भी ब्रश यूज़ कर सकते हो। उसके बाद पिक्चर को अच्छा उसका गेटअप बनाने के लिए आप ब्लैक बॉर्डर भी बना सकते हो। ब्लैक बॉर्डर के लिए आप स्केच पेन का या ब्लैक बॉल पेन का यूज़ कर सकते हो। जितना हो सके फ्री हैंड ड्रॉ करने की कोशिश करो, आपकी परफेक्ट इम्प्रूव होगा। यहाँ पे भी लाइनिंग का खास ध्यान रखना है। अंडरलाइन दूसरी करनी है, उसके बाद लेग बनाना है, उसको भी खूब ध्यान से आपको बनाना है। बॉक्स के अंदर जितने पोर्शन में आपको दिखता है बिल्कुल उतनी साइज में ही आपको बनाना है।
लेग ज़्यादा छोटा या बड़ा ना हो जाए उसका खास ध्यान रखना है आपको। वाटर कलर करने के बाद आप कलर पेंसिल या कलर स्केच पेन से टेक्सचर बना सकते हो। जैसे डॉट है उस हिसाब से यहाँ पे हम सन बनाएंगे। इसमें भी स्टेप बाय स्टेप जितना दिखता है उस हिसाब से ही बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अपने आप अभी डायरेक्टली कुछ नहीं ड्रॉ करना है। जितना बॉक्स का मेजरमेंट आप रखोगे, कैलकुलेशन रखोगे, उतना परफेक्ट पिक्चर जो है वो ड्रॉ होगा, उसका गेटअप भी उतना अच्छा आएगा। छोटी छोटी यहाँ पे डिज़ाइन है तो उसके लिए यहाँ पे मैं स्केच पेन से ज़्यादा ब्लैक पेन से बॉर्डर करने की सजेशन दूंगा। अगर वो नहीं है तो आप स्केच पेन से भी बना सकते हैं। अभी ड्रॉ हो जाने के बाद एक्स्ट्रा जो लाइनिंग है उसको रब कर देना है और अंदर की कैलीग्राफी आपको ड्रॉ कर देनी है। एक्स्ट्रा लाइनिंग आप इरेज करके अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं और बाद में कलर फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कॉपी टू कॉपी जो बुक में है उस हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो ये चेक्स की माध्यम से। इसमें थोड़ी ज़्यादा देर लगेगी पर जितना परफेक्ट आपको पिक्चर ड्रॉ करना है तो टाइम थोड़ा उतना आपको देना पड़ता है। कुछ यहाँ पे हम लाइनिंग करेंगे। इस हिसाब से और एक्स्ट्रा लाइनिंग सब निकाल के ये पिक्चर पूरा रेडी हो गया है। अभी इसके अंदर वाटर कलर जैसे आपको दिखाया है उस हिसाब से आपको वाटर कलर करना है और पिक्चर को कंप्लीट कर देना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।